गुड मॉर्निंग। तो भाई साहब, अभी तो हम हैं अपने गांव पे और अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। एक दो काम है वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद से देखते हैं कि क्या किया जाए। बलिया भी आज निकलना है। तो अभी तो भाई सीधे नाश्ता हो रहा है, पराठा और बेसन वाली सब्जी जो दाल वाले बनता है वो मस्त। बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ काम। इतनी धूप निकल रही है, गांव के जैसे पूरा शांत, जैसे हल्का हल्का सा ठंडा पड़ता है ना, जब धूप हल्का हल्का से निकलता है तो पूरा शांत जैसे माहौल रहता है। जैसे 12 बज रहा है अभी तो पूरा शांत है, तो ये बहुत बढ़िया लगता है, मजा आता है, यही याद करता हूँ मैं 12 के। तो अभी जाके घर से जो है निकले हुए हैं, शाम के बज गया है 4, इस टाइम पर निकले हैं। अब मान लीजिए वीडियो जो है थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो कुछ लोग बोलते हैं इतना छोटा ब्लॉग क्यों बनाया। तो अब भाई मैं घर पे मान लो सोया हूँ तो उसका क्या ब्लॉग बनाऊँ, उसमें समझ में नहीं आता है। अब भाई जो भी होता है, तो जब कम होता है तो कम का बनता है, ज़्यादा होता है ज़्यादा का बनता है। अब मान लो कि कोई बड़ा बड़ा ब्लॉग बनता है, कोई कोई तो किसी किसी दिन तो दो दो ब्लॉग बन जाता है। मान लीजिए बड़ा होता है तो दो दो बन जाता है, किसी किसी दिन मान लीजिए जब कुछ है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, उसमें तो छोटा ही ना बनेगा। बाकी खेतों में देखो सब धान उन जो है पूरा एकदम से निकल गए हैं। अब जो है हमें लग रहा है कि महीने दिन बाद जो है कटना चालू भी हो, महीने दिन क्या मतलब 15-20 दिन बाद जो है कटने लगेगा। चिवड़ा वाला धान जो है वो सब कटने लगता है। बाकी आप कमेंट में बताओ कि मैंने रिकॉप डाले था, 2-3 दिन का मैंने डाला था, आज मैं डाला हूँ जो 2-3 दिन का वीडियो था मैंने उसको एडिट करके डाला हूँ स्पीड में। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं पूरे हफ्ते का एक रिकैप जो है एक वीडियो में बना के हर संडे को डाल दिया करूँगा, ताकि एक क्या कहता हूँ याद हो जाएगा। आप बताना कमेंट में भाई ज़रूर। तो अभी जो है पहुँचे इस समय रतसड़, और असल में सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अंडा उंडा खा लिया जाए यहाँ पे। आज तो अंडा खा ही सकते हैं, संडे है तो। मैं डर जाता हूँ कि आज खाना है कि नहीं खाना है, ताकि देखो चेयरमैनी के चुनाव के लिए हर जगह देखो जहाँ देखो वहाँ प्रचार प्रसार हो ही रहा है तो चेयरमैनी का। और हाँ, रत्सर जो आज पहली बार मतलब नगर पंचायत में आया तो चेयरमैनी हो रहा है यहाँ पे, इसके पहले प्रधानी उधानी होता था यहाँ। प्लेट तो खा ली है, लेकिन आगे एक दुकान है जहाँ पे क्या कहते हैं कि पापड़ी चाट कोई बना रहा है, देखते हैं उसका टेस्ट। ये यहाँ पे बना रहे हैं ना, खाली बस मीठा दही डाल के, हरा चटनी रही तो और मज़ा ही देती। मैं बिल्कुल जैसा मैं पापड़ी चाट खोजता हूँ बिल्कुल वैसा ही मिला मुझे, और सबसे बड़ी बात जानते हो मात्र 10 रुपये में। यही मैं वहाँ बलिया खाया हूँ इलायची ऑफिस के बगल में, इतना ही क्वांटिटी 25 रुपये में, और ये मात्र 10 रुपये में हमको मिला। रीजन रत्सड़, एक गांव एक कस्बा, इस वजह से। जबकि बहुत बढ़िया बनाया था, बहुत टेस्टी लगा मुझे, मज़ा आ गया खा के। चलो अब निकलते हैं सीधे बलिया। पता नहीं आज गाड़ियाँ इतनी क्यों चल रही हैं, नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं सुखपुरा पहुँचा हूँ, बलिया से बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब कि क्रास हो रही हैं। पेपर, अच्छा ओ भाई साहब पेपर था ना शायद आज, हो सकता है मैं भी। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, और आज मैं खुल के बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो बहुत सारी बसें भी जो है बलिया से जा रही हैं, तो मैं लग रहा है कि ज़्यादा एग्जाम दे के लोग आ गए होंगे बस स्टैंड पे, तो बसें खुल गई होंगी गोरखपुर के लिए चाहे और भी जगहों के लिए। अभी पहुँचे हैं यहाँ पे हनुमानगंज, और यहाँ पे कोई कार्यक्रम शायद हो रहा है। चलो देखते हैं थोड़ा सा और आपको भी दिखाते हैं। तो अमीर चंद जी जो काशी प्रांत में मंत्री थे, उनके आज परम पुण्यतिथि पर ये कार्यक्रम मतलब कराया जा रहा है। तो ये कार्यक्रम देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। Yeah.
लेकिन रुक नहीं पाएंगे क्योंकि हमें अब थोड़ा सा घर निकलना है जल्दी, कुछ काम है। चलो यहाँ से घर के लिए समोसा भी ले लिए। पिंटू समोसा ले लेनी तुम्हारा खातिर। भाई कड़ी पत्ता है। बताओ तुम्हारा बाल कौन कटवा दिया? इधर इधर देखो, कौन कटवाया तुम्हारा बाल? बोलो, समोसा खाओगे ना? आए आए। अब पिंटू खाएगा? हाँ बाबू, बाहर का सामान नहीं खाते हो? नहीं खाते हो बाहर का सामान? तो चलो समोसे का अंदर वाला खा लेना, बाहर वाला मत खाना, ठीक है? नींद लग रही है भाई, बहुत तेज नींद लग रही है। बस खाना मिल जाए, खाना खा ले, उसके बाद से सोएंगे भैया दबा के। 9:30 हो रहा है, बस खाना मिल जाए। चलो भाई, तो खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं कूड़ा फेंकने के लिए। 10 बज गया, नींद लग रही बहुत तेज मुझे। बस फेंकेंगे, घर पे आएंगे, सोएंगे तुरंत। रात के बज गया है 10:30। तो फिलहाल में आज के ब्लॉग में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको कल के ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।